राजा भर्तृहरि एपिसोड 26 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, मैं कई दिन में आपकी सेवा में ये वीडियो प्रसारित कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए चला गया था और इस वजह से मैं आपकी सेवा में वीडियो प्रसारित नहीं कर पाया। और जिन जिन तीर्थ स्थलों को मैंने देखा है उन सबके वीडियो बना करके लाया हूं, बहुत जल्दी ही आपकी सेवा में प्रसारित कर दिए जाएंगे। तो अब आइए, मैं आपका ध्यान एपिसोड 25 से जोड़ रहा हूं। एपिसोड 25 में मैंने आपको बताया था कि वह वैश्या अमरफल को लेकर के महाराज भर्तृहरि के दरबार में पहुंच जाती है और महाराज भर्तृहरि ने जब अमरफल को देखा तो वैश्या से कहने लगे, वैश्या पहले ये बता ये अमरफल तेरे पास कहां से आया, यदि झूठ बोलने की कोशिश की तो तुझे फांसी की सजा मिलेगी और यदि सत्य सत्य बयान किया तो जीवित छोड़ दी जाएगी। देखिए श्रोताओं, जब उस वैश्या ने ये बात सुनी महाराज की तो सोचने लगी मृत्यु के बजाय जीना अच्छा है और झूठ के बजाय सत्य बोलना 100 गुना अच्छा है, इसलिए मुझे सत्यता बता देनी चाहिए। उस वैश्या को भगवान ने सद्बुद्धि दी और वैश्या ने महाराज से कहा कि हे राजन, ये अमरफल मेरे एक मित्र अश्वपाल ने मुझे दिया है। महाराज ने 4 सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ शंखचूर नामक अश्वपाल को पकड़ करके दरबार में लाइए, दरबार में हाजिर किया जाए। देखिए श्रोताओं, महाराज भर्तृहरि ने 4 सैनिकों को भेज दिया। 4 सैनिक अश्वशाला में पहुंचे, वहां से सोते हुए अश्वपाल को जगाया कि अश्वपाल तुझे महाराज ने बुलाया है, चलिए। अश्वपाल महाराज की सेवा में चलने के लिए तैयार हो गए, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह उसका भेद खुल चुका है। तो अश्वपाल को 4 सैनिक पकड़ करके महाराज के दरबार में लाकर उपस्थित कर देते हैं। अश्वपाल ने देखा कि महाराज की आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं, लाल लाल नेत्रों को करके महाराज नगिन टेक करके खड़े हुए हैं। अश्वपाल समझ जाता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य है जिससे महाराज भर्तृहरि आज क्रोधित हो रहे हैं। अश्वपाल राजा भर्तृहरि के चरणों में प्रणाम करते हैं। राजा भर्तृहरि बोले, अश्वपाल वही खड़ा रहे, ये बता कि ये अमरफल तेरे पास कहां से आया और यदि तैने झूठ बोली, तैने कुछ भी असत्य कहा तो निश्चित ही फांसी की सजा मिलेगी, फिर तू जीवित नहीं रहेगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा, सत्य सत्य बयान कर। क्या ये वैश्या सत्य कह रही है कि ये अमरफल तुमने वैश्या को दिया था? जब अश्वपाल ने यह देखा कि मेरा भेद खुल चुका है, ये अमरफल महाराज के पास पहुंच चुका है, तो विचार करने लगा कि अब मुझे सत्यता बता देनी चाहिए, मेरा वो उपयुक्त समय आ गया कि अब मैं राजा भर्तृहरि को संन्यास दिला दूं, राजा भर्तृहरि को गुरु गोरखनाथ के पास ले जाऊं। ये विचार करके अश्वपाल राजा भर्तृहरि के सामने कहने लगा कि हे महाराज, मैं आपको सत्य सत्य बताऊंगा कि बताओ क्या सत्यता है कि हे राजन, आपकी महारानी पिंगला जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, वह महारानी मुझसे प्रेम करती है और यह अमरफल मुझे तुम्हारी महारानी पिंगला ने दिया है। राजा भर्तृहरि विचार में पड़ गए कि क्या कह रहा है अश्वपाल, कि जी महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, महारानी पिंगला मुझसे प्यार करती थी और तुम जानते हो राजन कि तुमने उसी पिंगला के जाल में फंस करके तुम्हारे छोटे भाई विक्रम को मृत्युदंड दिया था, विक्रम को भी मौत के घाट उतार दिया, तुम नहीं जानते। वास्तव में उस समय विक्रम सही था, मैं महारानी पिंगला के महल में था
और महारानी पिंगला के साथ तुम्हारे भाई विक्रम ने मुझे देख लिया, और जब विक्रम ने मुझे मारना चाहा तो महारानी पिंगला ने मुझे बचा लिया, क्योंकि पिंगला मुझसे प्रेम करती थी और तुमसे केवल झूठा पति का नाता रखती थी, क्योंकि अश्वपाल तो महाराज को इस संसार से विरक्ति दिलाना चाहते थे, अपने सही मार्ग पर लाना चाहते थे। इसलिए कह रहे हैं कि हे राजन, तुम जिस रानी को अपनी महारानी समझ रहे थे वो महारानी तुम्हारी नहीं थी, वास्तविकता में तो वो मुझसे प्रेम करती थी। राजा भर्तृहरि के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, राजा भर्तृहरि का शरीर कंपित हो जाता है। राजा भर्तृहरि बोले, अश्वपाल कुछ होश में तो है? कि जी महाराज होश में हूं, और ये अमर फल तुम्हारी महारानी ने दिया है ये सत्य है, चाहे अब आप मृत्युदंड दें या मुझे छोड़ दें। महाराज भर्तृहरि ने जब अश्वपाल की बात सुनी तो राजा भर्तृहरि का दिमाग बदल गया, राजा भर्तृहरि का संसारिकता से मोह भंग हो गया, और उस प्रश्न का जवाब भी मिल चुका था अनंग सेना वाले का। राजा भर्तृहरि ने नगिन तेग उठाई और अपने महलों की तरफ चल दिया। महलों की तरफ राजा भर्तृहरि चले जा रहे नंगी तेग लेकर के, और उनका शरीर कंपित हो रहा है, मन में ग्लानि छा गई, शरीर में क्रोध भर गया, और अपने आप को हीनता से ग्रसित देख करके राजा भर्तृहरि का शरीर कंपित होने लगा। राजा भर्तृहरि दूर से आवाज देने लगे, महारानी पिंगला, महारानी पिंगला। पिंगला ने देखा तो महाराज के सम्मान में पलंग बिछाया। राजा भर्तृहरि बोले, पिंगला ये समय पलंग बिछाने का नहीं है, वास्तविकता तो यह है कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है। पिंगला कहने लगी, महाराज आपकी मृत्यु कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? कि नहीं महाराज, नहीं महारानी, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है कि इस समय मेरी मृत्यु आ गई, कुछ ही क्षण बचे हैं, और यम के दूत मेरे पास मुझे लेने आए, तो मैं उनसे कुछ समय मांग करके तुम्हारे पास चला आया, तुमसे मिलने के लिए चला आया। पिंगला बोली, महाराज मेरे प्रभाव के कारण यम का दूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं। राजा भर्तृहरि बोले, हां महारानी वास्तविकता में तुम पतिव्रता तो हैं, ये तो मैं भी जानता हूं और आने वाला संसार भी जानेगा, परंतु मुझे ये बता, मुझे बचा सकती है तो केवल तू बचा सकती है। पिंगला बोली, महाराज मैं कैसे बचा सकती हूं? कि मैं तुझे 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक अमरफल दे करके गया था, और उस अमरफल को मुझे दे दे, यदि मैंने वो अमरफल खा लिया तो मैं अमर हो जाऊंगा और फिर मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं एक कल्प तक जीवित रहूंगा। ला महारानी वो अमरफल मुझे दे दे। पिंगला बोली, हे महाराज मैंने तो वो अमरफल खा लिया, उसी समय खा गई। राजा भर्तृहरि बोले, पिंगला झूठ मत बोले, परिहास का समय नहीं है, मेरी मृत्यु बहुत नजदीक खड़ी हुई है, यम के दूत मुझे दिखाई दे रहे हैं और तू परिहास कर रही है, ला तू झूठ बोलती है, तैने वो अमरफल खाया नहीं है। पिंगला बोली, हे राजन, हे महाराज मैंने तो वो उसी समय खा लिया जिस समय तुम देकर के गए थे। राजा भर्तृहरि बोले, पिंगला फिर ये एक अमरफल मैं तुझे और लेकर के आया हूं, ले इस अमरफल को पहचान। पिंगला ने जब वो अमरफल देखा महाराज के हाथ में तो पिंगला के पैरों तले से जमीन खिसक गई, धरती और आकाश एक हो गए, पिंगला ब्रह्मांड में विलीन हो गई, पिंगला का ध्यान शून्य में विलुप्त हो गया। पिंगला कहने लगी कि हे राजन ये तो कोई दूसरा अमरफल है। राजा भर्तृहरि बोले, पिंगला ये कल्प वृक्ष है, और एक कल्प में, एक वृक्ष में जो कल्प वृक्ष का वृक्ष होता है वो एक बार लगता है, और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं की आयु भी एक मन्वंतर की होती है, इंद्र एक मन्वंतर ही राज्य करते हैं स्वर्ग के सिंहासन पर,
स्थिर। ये एक कल्प वाला फल क्या इतनी शीघ्र लग जाएगा? ये ऐसा नहीं हो सकता। ये वही अमर फल है जो तुझे मैं देकर के गया था, और ये कोई साधारण फल नहीं, ये गुरु गोरखनाथ ने मुझे दिया था और मुझे इसकी पहचान है। तू सत्य सत्य बता कि अमर फल तैने किसको दिया? पिंगला बोली, महाराज मैंने तो किसी को नहीं दिया, मैं तो केवल खा गई उसको। कि नहीं पिंगला, तू झूठ बोल रही है, तैने किसको दिया है ये अमर फल ये बता। तो पिंगला नहीं बताती है। महाराज भर्तृहरि अश्वपाल को वहां खड़ा कर देते हैं कि पिंगला ये तेरे सामने खड़ा है, ये कौन है, क्या तू इसे जानती है? अब तो जब पिंगला को दोनों सबूत मिल गए तो पिंगला की चोरी हाथ आ गई। राजा भर्तृहरि क्रोधित हो गए कि पिंगला अब तू ये बता तुझे क्या सजा दी जाए। पिंगला बोली कि महाराज मुझे माफ कर दो। कि नहीं पिंगला, तेरा ये कसूर माफ करने लायक तो है ही नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। कि नहीं महाराज, आप मेरा विश्वास करो, मैं पतिव्रता हूं, अश्वपाल मेरे पास केवल मिलने के लिए आता था। महाराज भर्तृहरि बोले, पिंगला तू झूठ बोल रही है, ये अमर फल तैने अश्वपाल को दिया। अश्वपाल ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं महारानी पिंगला के पास जाता था, अब तो तुझे मृत्यु दंड मिलना तय है। पिंगला बोली कि नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। राजा भर्तृहरि बोले, पिंगला मैं तुझे केवल एक बात पर माफ कर सकता हूं। पिंगला बोली, कहो राजन वो क्या बात है? कि यदि तू मेरे भाई विक्रम को मुझसे मिलवा दे तो मैं तुझे माफ कर दूं। मेरे भाई विक्रम को तैने झूठा जाल भर करके, झूठ बोल करके, मुझे गुमराह करके मेरे राज धर्म से विचलित कर दिया और मेरे छोटे भाई विक्रम को मरवाने का आदेश दे दिया। अब मैं तुझे कदापि माफ नहीं करूंगा। माफ करने के लिए तो समय विक्रम ने भी कहा था, परंतु तैने उसे माफ नहीं किया, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। केवल एक ही शर्त पर माफ करूंगा कि तू विक्रम को मेरे पास लाकर के मुझसे मिला दे। पिंगला बोली, हे राजन आपने उसे स्वयं जल्लादों को सौंप दिया, फिर वो कैसे मिल सकता है, ये तो संभव नहीं है। तो राजा भर्तृहरि बोले, पिंगला ये भी संभव नहीं है कि तू माफ की जाए। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तृहरि उससे इतने क्षुब्ध हो गए, क्षुब्ध होकर के नगिन तेग हाथ में ली और अपनी गर्दन को काटने लगे। स्वयं अपनी गर्दन पर तेग जमाई तो वही जल्लाद वहां से देख रहा था। जल्लाद दौड़ करके महाराज भर्तृहरि के पास आया और बोला, राजन ठहर जाओ। जल्लाद की बात सुनकर के राजा भर्तृहरि बोले, जल्लाद तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कार्य में व्यवधान पैदा करता है? कि महाराज मैं व्यवधान नहीं कर रहा हूं, कि महाराज मैं व्यवधान नहीं डाल रहा हूं, मैं केवल आपको एक सूचना देने आया था। बताओ क्या सूचना है? कि महाराज मुझे आप मृत्युदंड ना दे तो मैं बता सकता हूं। राजा भर्तृहरि बोले कि मैं तुझे माफ किए देता हूं, लेकिन क्या सूचना है बता। कि जिस समय आपने अपने भाई विक्रम को मेरे हवाले किया था, मुझे आदेश दिया था कि इसे मार करके लाओ, इसके नेत्रों को निकाल के लाना, इसके वस्त्रों को उतार के इसके रक्त में गीला करके लाना, उस समय मैं तुम्हारे भाई विक्रम को वन में लेकर के तो अवश्य गया था, लेकिन वहां मैंने उसका वध नहीं किया, मैंने उसे मारा नहीं, उसे जीवित छोड़ दिया। और तुम्हारा भाई विक्रम जीवित है, परंतु मैं ये नहीं जानता कि वो कहां है, इसका मुझे कोई पता नहीं है। राजा भर्तृहरि बोले, विक्रम जीवित है? कि हां महाराज, मैं सत्य कहता हूं, मुझे उसी समय यह ज्ञात था कि महाराज भर्तृहरि आवेश में आकर के केवल एक नारी की कहन मान करके, एक स्त्री के बहकावे में आकर के ये गलत कृत्य करने जा रहे हैं, जिसका परिणाम दीर्घगामी होगा और गलत होगा। इसलिए हे राजन, मैंने तुम्हारे भाई विक्रम का वध नहीं किया था। राजा भर्तृहरि खुशी हो जाता है कि वाह जल्लाद, तैने मुझे बड़ी खुशखबरी सुनाई, अब मैं मेरे भाई को स्वयं खोज करके लाऊंगा।
श्रोताओं, राजा भर्तृहरि उसी समय वहां से निकल जाते हैं घोड़ा पर सवार होकर के, और जहां गुरु गोरखनाथ का आश्रम था वहीं महाराज विक्रम पहुंच चुके थे तपस्या करने के लिए, क्योंकि वह प्रभव को राज देने के बाद प्रभव को तो तामावती नगरी का राजा बना दिया और प्रभव को राज सिंहासन सौंप करके विक्रम तपस्या के लिए चले जाते हैं। राजा भर्तृहरि ने विक्रम को वहां से खड़ा किया, तपस्या से जगाया और विक्रम को गले मिले, विक्रम को समझाया कि विक्रम मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम मेरे साथ उज्जैन नगरी चल। मैं उस समय नारी के मोह के कारण अंधा हो रहा था, मदांध व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता और इस कारण से मैं सत्यता को नहीं जान सका, लेकिन अब मैंने सत्यता को पहचान लिया है। राजा भर्तृहरि विक्रम को वहां से लाते हैं और उज्जैन नगरी आ जाते हैं राजा विक्रम को लेकर के। स्वयं अपने हाथों से विक्रम का राज तिलक किया, उज्जैन नगरी का राजा बना दिया विक्रम को, और रानी पिंगला के महलों में गए और पिंगला से बोले कि पिंगला, तुझे ज्ञात होगा कि बहुत समय पहले एक साधु ने कहा था कि ये झोली मैं तुम्हारे दरवाजे पर लटका करके जा रहा हूं, और इसी झोली को लेकर के तुम्हारा पति संन्यास धारण करेगा। तो उस संत ने सही कहा था, देखिए वो झोली आज भी महल के पिछले भाग में, क्योंकि पहले उधर दरवाजा था और महाराज भर्तृहरि ने उस दरवाजे को तोड़वा करके दूसरी दिशा में करवा दिया था। देखो पिंगला, आज भी वो झोली टंगी हुई है, मैं उसी झोली को लेकर के जा रहा हूं। हे श्रोताओं, ऐसा कहकर के राजा भर्तृहरि वन के लिए चल देते हैं, तपस्या के लिए चल देते हैं। भर्तृहरि को भर्तृहरि ने विक्रम को तो राजा बना दिया, विक्रम तो राज का संचालन कर रहे हैं, और भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ की शरण में चले जाते हैं, गुरु गोरखनाथ के आश्रम में पहुंच जाते हैं। गुरु गोरखनाथ भर्तृहरि को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, सोचने लगे कि मेरा ये शिष्य मार्ग भटक गया था और मार्ग भटक करके ज्यादा मोह माया में लिप्त हो गया, अब ये वापस लौट आया, बहुत अच्छा हुआ। देखिए श्रोताओं, राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के आश्रम में, गुरु गोरखनाथ की शरण में पहुंच जाते हैं। अब यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।